everyone, I am Renu. Welcome to my class. In today's class, we will discuss how to use feel like in the sentence. आज हम feel like की बात करेंगे, जिसको हम use करने वाले हैं present and in past tense में. Feel like को हम हमेशा present and past tense में ही use करते हैं और किसी tense में इसका use नहीं होता. Feel like का meaning होता है मन होना या इच्छा होना. In present tense जो हम use करते हैं singular subject, it means he, she, father, mother and child. That time आपने ये rule apply करना है ये वाला. In affirmative sentence आप use करेंगे feels, not feels. F double E L E S आपने नहीं use करना, only आपने use करना है F double E L S. आज हम only S ही use करेंगे, E S इसमें use नहीं होगा. Feels like plus verb first plus ing. Affirmative में use करेंगे, जो हम use करते हैं negative, interrogative, interrogative, negative. तब आपने use करना है does plus feel like, then verb first plus ing. जब आप does use करते हैं तो feels में से s हट जाता है, only आपने feel like ही use करना है. उसके बाद verb की first form plus ing को use करना है. सेंटेंस है हमारा, उसका पिज्जा खाने का मन है या उसका पिज्जा खाने की इच्छा हो रही है. चाहे हो रही ऐसे आ रहा हो जो हमने यूज किए थे इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन यहाँ पर इसका वो मतलब नहीं है क्योंकि हमने फील लाइक को ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस में ही यूज करना है. बनाते हैं सेंटेंस, उसका पिज्जा खाने का मन है या उसका पिज्जा खाने की इच्छा हो रही है. ही फील्स लाइक ईटिंग पिज्जा. नेक्स्ट सेंटेंस है, पिताजी का कार चलाने का मन नहीं है. इन दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग योर नेगेटिव सेंटेंस, फादर डज नॉट फील लाइक ड्राइविंग अ कार. थर्ड है, क्या मम्मी का कपड़े खरीदने का इच्छा नहीं है, क्या उनका मन नहीं है या इच्छा नहीं है. डज मदर नॉट फील लाइक परचेजिंग क्लोथ्स. क्या बच्चे का खिलौने खरीदने का मन है, यहाँ हम यूज कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यूज करेंगे ये वाला. डज चाइल्ड फील लाइक परचेजिंग टॉयज, देन क्वेश्चन मार्क. आगे बढ़ते हैं प्लूरल की तरफ. प्रेजेंट में हमने सिंगुलर तो हमने जान लिया है, अब प्लूरल कैसे यूज करते हैं बात करते हैं उसके बारे में. जब हम यूज करते हैं प्लूरल में आई वी यू दे एंड चिल्ड्रन, दैट टाइम आपने रूल फॉलो करने हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करना है फील लाइक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. इसमें आपने एस और ईएस को यूज नहीं करना, ओनली फील ही यूज करना है. और जब आप यूज करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव, दैट टाइम आपने यूज करना है डू प्लस फील लाइक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. बनाते हैं सेंटेंस, मेरा स्कूटी खरीदने का मन है. बात कर रहे हैं आई की. आई फील लाइक बाइंग अ न्यू स्कूटी, या इच्छा हो रही है तभी हम यूज करेंगे ये वाला सेंटेंस. बनाते हैं इसको नेगेटिव सेंटेंस में, आई डोंट फील लाइक बाइंग अ न्यू स्कूटी. नेक्स्ट है, क्या बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है, यहाँ यूज कर रहे हैं क्या और नहीं, देन क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, Do children not feel like studying? इस तरह से आपने से आपने ये वाला रूल फॉलो किया है सभी सेंटेंस में. इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट को यूज करके अलग अलग वर्ब को यूज करके सेंटेंस आपने बनाने हैं प्लूरल के साथ में, मीन सब्जेक्ट के साथ में. नेक्स्ट आता है आपका पास्ट. अब फील लाइक को पास्ट में कैसे यूज करते हैं. जब हम यूज करेंगे पास्ट तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने यूज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मींस felt, not feel. Felt like plus verb की first form plus ing. Negative interrogative और interrogative negative में use करना है did plus feel like then verb first plus ing. अब ये जो rule है हम use करते हैं with all subjects, चाहे वो singular हो या plural हो. बनाते हैं sentence, उसका नया घर खरीदने की इच्छा हुई या उसका मन हुआ. He felt like buying a new home. नेगेटिव बनाएंगे, ही डिड नॉट फील लाइक बाइंग अ न्यू होम. डिड के साथ यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्या उसका नया घर खरीदने की इच्छा हुई, डिड ही फील लाइक बाइंग अ न्यू होम.
And did he not feel like buying a new home? इस टाइप से मैंने सारा सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव आपको समझा दिए हैं डिड का यूज करके कैसे हम यूज करते हैं पास्ट को फील लाइक के साथ में. अब बारी आती है फील लाइक को हम नाउन के साथ कैसे यूज करते हैं. मेरा चॉकलेट का मन है, जैसे आप जानते हैं नाउन क्या होती है, नेम, किसी पर्सन का नेम हुआ या थिंग्स हुई या कोई प्लेस हुआ, तो हम यूज करते हैं नाउन. यह हम बात कर रहे हैं मेरा चॉकलेट का मन है, यहाँ मैंने यूज नहीं किया वर्ब, मेरा चॉकलेट खाने का मन है या इच्छा हो रही है, मैं ऐसे बात नहीं कर रही हूँ. मैं बोल रही हूँ मेरा चॉकलेट का मन है या मेरा आइसक्रीम का मन है या पिज्जा का मन है, यहाँ मैंने खाना वर्ब यूज नहीं किया क्योंकि हम बात कर रहे हैं नाउन की. मेरा चॉकलेट का मन है, आई फील लाइक अ चॉकलेट, या मेरा चॉकलेट का मन नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रही है, आई डोंट फील लाइक अ चॉकलेट. नेक्स्ट बनाएंगे, उसका पिज्जा का मन हुआ या इच्छा हुई, he felt like pizza या he did not feel like pizza, उसका पिज्जा का मन नहीं हुआ. जैसे आपने यूज किए हैं इन प्रेजेंट एंड पास्ट में रूल, ऐसे ही आपने नाउन के साथ यूज करना है डू और डज को इन शब्द के साथ में. इट मीन सिंगुलर प्लस प्लूरल के साथ में आपने सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ में आपने यूज किया. फील लाइक को प्रेजेंट में ऐसे यूज करना है आपको नाउन में, इन प्रेजेंट में जैसे आपने यूज किया पास्ट में, ऐसे ही आपने नाउन को यूज करना है इन पास्ट में. तो दोस्तों आज हमने बात की फील लाइक को कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, इन प्रेजेंट पास्ट में हम कैसे यूज करते हैं फील लाइक को वर्ब के साथ में और नाउन के साथ में. इन नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नया टॉपिक सिखाने वाली हूँ, तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. आप प्लीज कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.